पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है लेकिन अभी तक इंडिया के खाते में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल तो आए हैं लेकिन गोल्ड मेडल की जो कमी है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन पूरा देश नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड जो था वो पास कर गए हैं और अब पहुंच चुके हैं वो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल्स में। कल यानी कि 8 तारीख को वो गोल्ड के लिए मुकाबला करेंगे और अगर नीरज चोपड़ा ने अपना निशाना सही लगाया और लंबी दूरी तक फेंका जैवलिन तो शायद गोल्ड भारत की झोली में होगा। आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, नीरज चोपड़ा और ऋषभ पंत अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अब ऋषभ पंत ने नीरज चोपड़ा की गोल्ड जीतने पर एक ट्वीट किया है जिसे फैंस देख के बहुत अलग अलग तरीके के अंदाजे लगा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार ऋषभ पंत का नीरज चोपड़ा पर ट्वीट। इफ नीरज चोपड़ा विन अ गोल्ड मेडल टुमारो आई विल पे 1,89,000 rupees टू लकी विनर who likes the tweet and comment most. And for the rest top 10 people trying to get the attention will get flight tickets. Let's get support from India and outside the world for my brother. तो यहाँ पे बेसिकली ऋषभ पंत ने ये बोला है कि अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाते हैं कल तो वो एक कॉन्टेस्ट रखेंगे और सबसे ज्यादा जो भी लाइक करेगा उसे वो 1,89,000 rupees देंगे और जो टॉप 10 के कंटेंडर होंगे उन्हें वो फ्लाइट की टिकट जो है वो फ्री में देंगे। अब ये चीज सोच के हर किसी को लग रहा है कि क्या ऋषभ पंत का अकाउंट जो है वो हैक तो नहीं हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत ऐसे ट्वीट क्यों करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऋषभ पंत के एक्स अकाउंट से ही ये ट्वीट किया गया है। बाकी नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की बात करें तो काफी अच्छी रही उनकी पेरिस ओलंपिक्स में प्रदर्शन, और वहीं अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत को अभी इंडिया और श्रीलंका का जो मुकाबला चल रहा है ओडीआई मैच चल रहा है, 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा बाकी है, आज तीसरा खेला जाएगा, उसमें ऋषभ पंत को मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को सारे विकेट कीपर्स के ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी, केएल राहुल के ऊपर भी प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन ओडीआई में ऋषभ पंत थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो ऋषभ पंत को T20 में प्रायोरिटी दे रही है लेकिन ओडीआई में केएल राहुल को प्रायोरिटी देने पर आगे बढ़ी हुई है वो। और गौतम गंभीर एरा शुरू हो चुका है तो गौतम गंभीर भी इसी तरीके के डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में ओडीआई के प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाते हैं या फिर नहीं। और ये भी बहुत दिलचस्प बात होगी कि क्या कल नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड जीत पाते हैं या फिर नहीं। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।